Rahul, Shiv, Shankar. Rahul, Shiv, Shankar, editor in chief. उसमें एक पैनलिस्ट है आर एस एन सिंह जो है फॉर्मर राज चीफ हैं. तो आज क्या करें, नेक्स्ट चैनल वाले माता चाहिए ये आगे वो यूट्यूब से उसका लिंक भी सब दे. अगर क्या वो कई लोग डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट कर रही है. देखिए ये आज से एक लास्ट वीक जो है टाइम्स नाउ चैनल पे डिस्कशन हो रहा था दावा स्क्वाड्स अनलीश टू स्टार्ट हिंदू गर्ल्स इंडिया अपफ्रंट विथ राहुल शिवशंकर एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स नाउ चैनल. इसमें एक पैनलिस्ट आए थे जिनका नाम है आर एस एन सिंह. इज ए फार्मर रॉ ऑफिशियल और आईबी में भी काम किए हुए हैं. एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर रह चुके हैं ये. तो इन्होंने दौरान गुफ्तगू सरकारी दौरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करे जो मैं रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं रिपीट किया तो मैं भी गुस्ताख में हो जाऊंगा. और बीबी आयशा के ताल्लुक से भी बहुत ही ज़्यादा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और हज़रत अली के बारे में भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए. तो इसके ऊपर जो है हम आज टाइम्स नाउ चैनल वाले वो वीडियो को निकाल लिए और माफ़ी चाहे. तो माफ़ी चाहने से मतलब नहीं होता, क्योंकि ये जो आर एन सिंह है, आर एस एन सिंह जो फार्मर आईबी चीफ है, एक डिसिप्लिन फोर्स में रहने के बावजूद उनके ये ख्यालात जो है ना सिर्फ इस्लाम के मानने वालों के लिए बल्कि तमाम दूसरे मजहब के मानने वाले भी इनके जो बयान के खिलाफ में आज एहतजाज कर रहे हैं. तो हम आज जो है अंडर आईपीसी 153A इनके वर्ड्स डेरोगेटरी है, दो फिकों में तफरीका डाल रहे हैं, दो मज़हब के बारे में तफरीका डालने के ऊपर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दबीरपुरे को मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम एक कंप्लेंट दिए हैं कि इनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए. और हम ये चाह रहे हैं कि साबिका में हम जितने भी कंप्लेंट्स दिए, चाहे वो ZTV का रहो या और कोई भी रहो, बाद में हमको एक नोटिस आ रही और वो लोग YouTube पे से निकाल दे रहे हैं वो चैनल जो भी डेरोगेटरी वर्ड्स है. तो केस नहीं बन रहा उसमें. हम इस कंप्लेंट में ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ये कहा कि आप चैनल को नोटिस दीजिए, उनसे ओरिजिनल वीडियो मंगिए, मंगने के बाद में इस पर तहकीकात करते हुए इसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए. नहीं, हम तो देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर हम लिख दिए हैं कि ये सरकार की शान में ये जो आर एस एन सिंह है, इन्हों जो डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करे, इनके खिलाफ में एक्शन लेना बोल के. अब अगर उसके अंदर ये पाया जाता है कि टाइम्स नाउ चैनल भी इंटेंशनली अगर ये हरकत की है तो उनके खिलाफ में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक्शन ले सकते हैं. आप कंप्लेंट किस पे दिए? नहीं, हम तो बोले कि ये इसमें ये चैनल के ऊपर ये फलाने टाइम पे ये डिस्कशन में ये सरकार की शान में गुस्ताखी हुई है,
और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब इसके अंदर कौन कौन इसके अंदर आते हैं, सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपने कोई पर्टिकुलरली नाम मेंशन किया है क्या किसी का? नहीं, मैं दिया ना कि RSN सिंह पैनलिस्ट जो है फार्मर रॉ के ऑफिशियल है, और आपके इसके अंदर एक राहुल शिव शंकर एडिटर इन चीफ टाइम्स नाउ चैनल भी है उसमें, और कई लोग है। हालांकि इमीडिएट जब का जब पैनलिस्ट में जो डिस्कशन चला रहा था उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब माफ़ी चाहना चाहिए था, लेकिन एक हफ्ते के बाद में आज वो लोग माफ़ी चाह रहे हैं और वो यूट्यूब पे से हम निकाल दिए बल्कि आज नोट दे रहे हैं। लेकिन ये जो शख्स है RSN सिंह, ये मुसलसिल हमेशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, इस्लाम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ़ में इनको कानून के दायरे में लाना चाहिए और इनके खिलाफ़ में एक्शन लेना चाहिए।